देर रात अचानक सीएम हाउस पहुंचे सचिन तेंदुलकर, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से की मुलाकात। नमस्कार, मैं हूं सिलम कुशवाहा और आप देख रहे हैं द खबरदार न्यूज। सचिन तेंदुलकर फाउंडेशन मध्य प्रदेश में परिवार फाउंडेशन नाम से स्वयंसेवी संस्था के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। वहीं सीएम शिवराज सिंह ने उन्हें पूरी तरह मदद का भरोसा दिलाया है। आपको बता दें, क्रिकेट के भगवान कहे जाने वाले देश के महानतम क्रिकेटर और भारत रत्न से सम्मानित सचिन तेंदुलकर देर रात सीएम हाउस पहुंचे, जहां उन्होंने मुख्यमंत्री शिवराज चौहान से मुलाकात की। मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर मंगलवार को मध्य प्रदेश पहुंचे थे, जहां उन्होंने बाल आश्रम श्री रामकृष्ण सेवा कुटीर संस्था के कार्यक्रम में शिरकत की। इस दौरान सचिन ने कहा कि संस्था में 560 बच्चे शिक्षा हासिल कर रहे हैं, जिनके साथ मैं जुड़ा हूं। मेरे पिता का सपना था कि गरीब बच्चों के लिए कुछ किया जाए, वो अगर आज हमारे बीच होते तो बहुत खुश होते। मध्य प्रदेश दौरे के दौरान सचिन तेंदुलकर ने सीएम के विधानसभा बुधनी के सिवनिया में बच्चों से मुलाकात करके फिर देर रात सीएम शिवराज सिंह से मुलाकात कर उन्हें अपने फाउंडेशन द्वारा किए जा रहे कार्यों की जानकारी दी। सचिन तेंदुलकर फाउंडेशन मध्य प्रदेश में परिवार फाउंडेशन नाम से श्री रामकृष्ण विवेकानंद सेवा कुटीर स्वयं सेवी संस्था के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। इसके बाद सीएम शिवराज ने भी सचिन को भरोसा दिलाया कि प्रदेश में उनके फाउंडेशन द्वारा किए जा रहे अच्छे कार्यों में राज्य सरकार पूरा सहयोग करेगी। सीएम ने कहा कि जो भी जरूरत होगी उसमें जिला प्रशासन का सहयोग मिलेगा, सरकार उनके साथ मिलकर कार्य करेगी। सिवनिया गांव में पहुंचकर सचिन के फैन छात्र गोरिस लखेरा के बैट पर ऑटोग्राफ दिया। वहीं सचिन ने बच्चों से कहा, सपनों का पीछा करो, अक्सर सपने ही सच होते हैं, आपके सपनों को पंख देने में कमी नहीं आएगी। सचिन ने कुटीर की छात्रा मनीषा बारेला से पूछा कि पढ़ाई के बाद तुम क्या करना चाहती हो। छात्रा ने जवाब दिया कि वह पुलिस ऑफिसर बनेगी। वहीं और बच्चों ने निसंकोच होकर अपनी बातें भी रखी। वहीं सचिन ने कहा, आपके हर सपने पूरे किए जाएंगे। वहीं कुछ बच्चों ने सचिन से कहा, मुझे आपकी तरह क्रिकेटर बनना है, तो कुछ ने कहा, मुझे डॉक्टर बनना है। सचिन ने कहा, पहले पढ़ाई करो अच्छे से, आप सब कुछ बन सकते हो, बस हौसला बनाए रखो और पढ़ाई करते रहो, मैं आपके साथ हूँ। बता दें, इतिहास के पन्नों में 16 नवंबर तारीख हमेशा के लिए दर्ज है। इसी दिन सचिन तेंदुलकर ने क्रिकेट को अलविदा कहा था। वेस्ट इंडीज के खिलाफ 14 नवंबर को शुरू हुई मुंबई टेस्ट के दूसरे दिन सचिन 74 रन बनाकर वापस आए थे और अगले दिन भारत की जीत के साथ ही सचिन ने क्रिकेट के सफर को विराम दे दिया था। इसी दिन करोड़ों प्रशंसकों ने क्रिकेट के एक युग को खत्म होते देखा था। उनकी विदाई भाषण आज भी याद किया जाता है। खबरों से जुड़े रहने के लिए बने रहिए द खबरदार न्यूज के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।